अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लाहौर में तो बारिश ही नहीं रुकने का नाम ले रही। और आप सुनाएं आजकल क्या हो रहा है? मैं भी सोए उठ के कुछ ना कुछ सोच लेती हूँ, फिर वीडियो बना लेती हूँ। तो अल्लाह पाक आपको लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में बताया करें, क्योंकि हमें और जज्बा आए अच्छा काम करने का। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और चिकन अपने, मतलब दूसरे तरीके से। आगे मैंने बना के दिखाया हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ चटपट आज बनाऊँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं आलू चिकन आज कैसे बनाने लगी। मैंने ले लिया चिकन 1 kg, मैंने चिकन ले लिया, इसको मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये सारे मसाले, क्योंकि पहले मैं फ्राई करके बनाती हूँ। तो अब मुझे, मैंने इस तरह भी तजर्बा किया भी ये इस तरह भी बड़ा, मतलब अंदर तक ना अच्छा मज़े का और स्पाइसी बनता है। तो ये है, मैंने मसाले लगा लिए, ले लिए हैं सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा। इसमें मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे मसाले। प्लेट को लग गया थोड़ा सा, हल्दी भी डालनी है। तो अच्छा जी, 2 चम्मच मैं डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट, और वो दिखाओ दही ज़रा जी। मैंने दही ले लिया 1 kg, मेरा चिकन है 1/2 kg, मैंने दही ले लिया। अब इसमें मैं सारा दही डाल दूंगी। चलो जी, ये मैंने दही में दही डाल दिया है। अब मैं इसको करूंगी मिक्स। अच्छा, मैं हाथ के साथ करती हूँ, चम्मच के साथ मुझे तो मज़ा नहीं आता, आप लोगों को मुझे पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, दही मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि ये दही में ही पकाऊंगी मैं इसको। मैं लगा के मतलब 1.5 घंटे रख दूंगी मैं। मुझे दरअसल मैंने सुबह का ही लगा लेना था, अब मेरे जहन में आया कि मैं दूसरे तरीके से बनाने लगी थी, फिर मेरे जहन में आया मैं ऐसे बना लेती। तो आप लोगों के पास टाइम हो तो सुबह से शाम तक भी लगा सकते हैं, मेरे पास अब टाइम कम है। मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मैंने उनके लिए ये खाना बनाना है, और इसलिए मैं ये थोड़ा सा चेंज बनाने लगी हूँ। तो अब मेरे पास टाइम कम है, तो मैं इसलिए 1 घंटा ही रखूँगी। ये अच्छी तरह लग गया, ये देखिए कितना अच्छा लग। मैं इसको रखूँगी फ्रिज में ढक्कन दे के, 1 घंटा रख देती। आपके पास प्लास्टिक शीट है तो उस प्लास्टिक शीट है उससे कवर कर लें, मेरे पास नहीं है, मैंने प्लेट दे दी है। कोई बात नहीं, जो हमारे पास है हम उसी से काम चलाएंगे, और बचत करनी चाहिए चाहे जितनी जिस तरह भी हो सके। आलू मैंने ले लिए, वो ये मैंने मैरिनेशन करके रखा था फ्रिज में, तकरीबन मैंने 2 घंटे 2.5 हो गए हैं मैंने रखा था। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अब ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गया, तो अब मैं इसको पका लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर मैं करती हूँ। ये देखें जी, मैंने इधर देखो भाई, ये मैंने कुकिंग ऑयल रख दिया कढ़ाई में, गर्म हो रहा है। अच्छा, ये कुछ आवाज़ आ रही है वीडियो में, ये हमारे घर से नहीं, ये साथ वालों के घर पता नहीं कोई काम हो रहा है। हाँ जी, ये बड़ी ख़तरनाक आवाज़ सुबह की ना, हमें बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, हम सो भी नहीं सके, ये सुबह की आवाज़ है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दिखाएं भाई, ये मैंने 6-7 आलू इस तरह लंबे लंबे काट लिए। तो ये चिकन है मेरा, मैरिनेट हो गया है, चिकन को मैं साइड पे कर देती हूँ, आलू डाल देती हूँ। ये मैंने आलू करने हैं फ्राई। अच्छा, चिकन में आलू फ्राई करके डालने बड़े मज़े के बनते हैं। आलू ज़्यादा ही काटे गए हैं, चले कोई बात नहीं, खाए जाएंगे, आलू हमें बहुत पसंद है। मैंने अपनी बेटी से कहा था, वो भाई बस करो हमें वीडियो बना लेने दो, आवाज़ आ रही भाई, अगर आपको आवाज़ डिस्टर्ब करे तो सॉरी माजरत। तो मैंने अपनी बेटी से कहा 3-4 आलू काट दें, उसमें ज़्यादा काट रही है, चलो कोई मसला नहीं, हम खा लेंगे, हमें बहुत पसंद है आलू पसंद है। हाँ जी, हमें सबको आलू पसंद है इसके बाबा के बजाय। अच्छा, इनको आलू को मैं करूँगी फ्राई, मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करना, गलाना नहीं, सिर्फ फ्राई करना। आलू फ्राई हो गए, मतलब मैंने गलाए नहीं, फ्राई कर लिए, हाफ फ्राई हो गए।
हाँ फ्राई आलू करने थे वो मैंने कर लिए, और इसी तरह बड़े बड़े मैंने काट दिए थे, और मैं ये निकाल रही हूँ। आगे मैं खाती हूँ, आगे मैंने क्या करना है, ये नहीं करिए इतना बताया, वीडियो मैंने कहा हम लोग सोचते कुछ हो रहे हैं, और वीडियो मैंने सोच खा ली है। मैं सुबह उठती हूँ और मैं सोचती हूँ आज मैं अपने चैनल के लिए कौन सी वीडियो बनाऊँ, और अल्लाह पाक मुझे रास्ता दिखा देता कुछ ना कुछ, मुझे जो समझ आता है मैं बना लेती हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, हर बंदे के पास दिमाग होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये जी थोड़ा सा मेरे पास ज़ीरा है, ये मैंने डाल दिया है। अच्छा जी ज़ीरा मैंने डाल दिया है, अब मैं साथ ही डाल दूँगी इसमें, ये मैंने दो दो प्याज काट लिए, ये अच्छा जी प्याज, अब ज़ीरा मैंने डाला है। अब मतलब मेरी वही बात आ जाती है, इसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं, बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, छोटी इलायची भी, दालचीनी भी डाल सकते हैं, वो तेज़पत्ता जो होता है वो भी डाल सकते हैं, तो वो मैं इसलिए नहीं डालती, मेरे घर में वो अलाउ नहीं है, खाते नहीं हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है। और ज़ीरा ब्राउन हो गया तो मैंने प्याज डाल दी है, और प्याज को मैं अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी, फिर मैं बाद में दिखाती हूँ मैंने क्या करना है। अच्छा जी प्याज मेरा इतना सा ब्राउन हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, आज तो हमें ये वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे साथ वाले, पता नहीं क्या कर रहे हैं बदतमीज़, हमें ये भी नहीं पता कौन से, देखो यही होता है मतलब कहीं गांव में हो तो पता चल जाता कौन क्या कर रहा है, अब इधर लाहौर में क्या पता हमें क्या को कर रहा है तो क्या नहीं। अच्छा जी अब मैं इसमें डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मैंने चिकन करके रखा, मुझे कहता थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी कर लो, वीडियो लंबी ना हो जाए। अच्छा हम इतना लंबा भी नहीं करते, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा इस तरह ज़रूरी होती वो ही मैं दिखाती हूँ, फिर भी वीडियो लंबी हो जाती, पता नहीं क्या रहा। अच्छा जी ये देखें जी मैंने इसमें डाल दिया, इसको करूँगी मैं अच्छी तरह फ्राई। अच्छा जी माशाल्लाह जी देख लें जी, मैंने प्याज ब्राउन करके जो डाला था वो भी ब्राउन हो गया साफ, और मेरा चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया। मैं भी आज बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, बिल्कुल ये देख लें, मतलब चिकन हम फ्राई करते हैं वैसे नहीं डालते, ये चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है। ये देखें जी मैंने 3 अदद बड़े बड़े टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली, अब वो मैं इसमें डाल दूँगी बिस्मिल्लाह, जो इसकी कसर रह गई है वो इस टमाटर में गल गई है, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, 3 टमाटर थे कुछ सब्ज़ मिर्चें थी तो वो मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा जी देखें माशाल्लाह पहले खुश खुश था ये टमाटर डालने से इसका और मसाला बन गया, अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा कोरमा मसाला, कोरमा मसाला ऑप्शन है, आप डालना चाहे डाल लें, नहीं डालना चाहते ना डालें, लेकिन इस बार मैंने डाल दिया थोड़ा सा, मैंने डाल दिया, मुझे ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है इसलिए ना इसमें ना भी डालें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत मसाले डले हुए हैं, और कोरमा डाल मसाला डालने से इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है ना मईस कोई भी, ये देख लें जी ये मैंने अच्छी तरह भून लिया, अब मैं इसको और मज़ीद भून लूँगी, थोड़ा चूल्हा कम कर दूँगी, हल्की आँच में मैंने इसको भूनना है। मैं अच्छा जी ये मेरा चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया। अच्छा जी अब मैं इसमें जो मैंने आलू फ्राई किए हैं वो मैं आलू डाल दूँगी, आलू इसीलिए मैंने अब डाले हैं, ये बड़ी बड़े मज़े का बनता है आलू और गोश्त, सिंपल रेसिपी है और मज़े की रेसिपी है। ये घी लगा हुआ था प्लेट में, ये देखें अच्छी तरह मैंने साफ, मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी, मैं इसमें पानी डाल के इसमें डाल दूँगी। ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा जी अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी जितना आप लोग डालना चाहेंगे इसमें डाल, अच्छा मैं थोड़ा सा और डालूंगी जो पक के इतना रह जाए, ये लीजिए पानी मैंने डाल दिया, अब मैं पकने तक मैं इंतज़ार करूंगी ये अच्छी तरह पक जाए। अच्छा जी माशाल्लाह जी मेरा आलू गोश्त हो गया तैयार, ये देखें जी आलू मैं एक दिखाती हूँ बिल्कुल, गल गए अंदर तक, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला,
तो हांडी मेरी होगी तैयार, इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, सब्ज धनिया नहीं डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी कि शोरबे वाला सालन है तो मैं नहीं डालती। आप लोगों के पास चॉइस है, आप डालना चाहते डाल ले। तो काली मिर्च भी डाल ली है मैंने, गरम मसाला भी डाल लिया है, आप धनिया भी डाल सकते हैं, सब्ज मिर्चें भी ऊपर डाल सकते हैं, सारा कुछ भी डाल सकते हैं। ये है जी हमारा आलू गोश्त शोरबे वाला तैयार, माशाल्लाह जी देख लें जी, मैंने इतनी इसकी करी रखी है, मतलब ग्रेवी जो उसकी होती है, मैंने ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता। शोरबा अच्छा भी लगता है जब मतलब दिल करे कुछ चावल शावल बनाए हों तो फिर ज़्यादा शोरबा बनाते हैं। तो ये है जी माशाल्लाह तैयार। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप लोग भी बना के खाइएगा इस तरीके, यकीन करें बड़ा मज़ा आता है। तो दुआओं में याद रखना, मैं अभी आपकी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर की है, अभी अभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताना कैसी बनी है। चलें जी दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एंड में वो ही खुश रहिए, प्यार बांटिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह की अमानत है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।